व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। सैमसंग अनपैक्ड इवेंट ये जो है 10 अगस्त को होने वाला है और इस इवेंट में आपको सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4 5G ये डिवाइस देखने को मिलने वाला है और सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4 ये डिवाइस भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 देखने को मिलेगी और गैलेक्सी वर्ड्स 3 देखने को मिलने वाले हैं और ये जो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं तो इनमें आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4 और जी फोल्ड 4 के बारे में। तो इन फोन्स की लीक्स है वो मैं आपको बताऊंगा और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 6.2 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। ये जो है वो बाहर की डिस्प्ले रहने वाली है जिसे हम आउटर डिस्प्ले भी कहते हैं और 7.6 इंच की 4K डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिलेगी और ये जो है इनर डिस्प्ले रहने वाली है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और डिस्प्ले जो है बहुत ही कमाल की रहती है, आपको तो पता ही है। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और कैमरास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 50MP 12MP और 10MP का आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही अच्छे कैमरास है। पहले जो है आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए थे 12-12 MP के, लेकिन इस बार आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है कैमराज में जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरे के बारे में अभी पता नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको 32MP तक के देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। 4400mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि मुझे थोड़ी सी कम लगी क्योंकि इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था जो कि इस फोन में नहीं मिलेगा। और 25W का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि मतलब ज़्यादा फास्ट तो नहीं है पर आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज कर देगा। और इसमें आपको IPX8 की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि मतलब वाटरप्रूफ हम इसे कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछली बार भी ये आया था तो वाटरप्रूफ ये फ़ोन रहा था तो इस बार भी वाटरप्रूफ रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिलता है ये। और इसके साथ साथ इसमें आपको एस पेन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन ही निकल के आता है। और दोस्तों आप एक और बेहतरीन काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 120Hz की डायनेमिक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 2x डिस्प्ले है जो कि मतलब बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है। और इसमें आपको 2 इंच प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसे हम कवर डिस्प्ले भी कहते हैं जो कि सुपर एमुलेट डिस्प्ले रहने वाली है। और ये फ़ोन भी वाटरप्रूफ रहने वाला है जो कि अच्छी बात है। और इसमें आपको 12MP और 12MP के कैमरा देखने को मिलने वाले हैं जिसमें एक मेन कैमरा होगा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलने वाला है। और प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है। और बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको 25W का चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो कि मतलब मुझे इन फोन्स में ना सिर्फ बैटरी थोड़ी कम लगी, बाकी बहुत ही बढ़िया फ़ोन से निकल के आते हैं। और इस फोन में भी आपको IPX8 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी यानी कि वाटरप्रूफ ये फ़ोन रहने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो अप टू वेरिएंट है वो आपको 212GB तक देखने को मिलने वाला है जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसे मतलब ज़्यादा स्टोरेज चाहिए वो इनके थ्रू जा सकता है। और कलर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको कलर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये इन कलर्स में देखने को मिलने वाले हैं। और जी फ्लिप की तो प्राइस भी आ चुकी है तो ये प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है जी फ्लिप्स की जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने इन फोन्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग जो है इन फोन्स पर ज़्यादा बिलीव करता है क्योंकि इनके अलावा कोई फ़ोन ऐसे नहीं है जो मतलब इंडिया में अवेलेबल रहते हैं, फोल्डेबल नहीं है ना ही फ्लिप वाले फ़ोन्स हैं, तो इसके लिए ना अभी तो फिलहाल में सैमसंग हर जगह छाया हुआ है फ्लिप और फोल्ड के मामले में। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि मोटो रेजर अपने इंडिया में आ सकता है, अभी कन्फर्म तो नहीं है पर अगर आता है तो शायद सैमसंग फ्लिप को टक्कर दे पाएगा। अब आने के बाद देखेंगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और मैं आपकी नोटिफिकेशन में बहुत ही जल्द मिलूंगा। आपकी स्क्रीन पे दो वीडियो आ रहे होंगे, वीडियो देखो और इन्जॉय।